अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसागुरम शुद्धात्मान मनीकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श अर्थप्रकाशकम ओंकार शिल्पाय नमः जिन कोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः रत्न प्रे धारक निष भाव साधक अज्ञान शून्य निवारक श्री गुरुवेद परम्पराचार्य श्री देवी नम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोच मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते सिद्ध बाबा भाबा सर्व भावान करे ओम नमः। श्री समय सार परमागम निजराधिकार कलश नंबर 150 याद्रक ताद्र ग्रहास्त तस्य वस्तु यस्य स्वभावो यः कर्तुम नेष कथन चनापि हि परे रण्यात् स सत्यते अज्ञानम न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानम भवत् संततम् ज्ञानेन भुञ्च परापराध जनितो नास्ति ह वन्दस्तवः। जिसका जो स्वभाव है वह स्वयं से ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। जैसे कोई कलम से लिखता है, कलम अलग है, लिखने वाला अलग है, ऐसे ज्ञान अलग हो और आत्मा अलग हो और आत्मा ज्ञान से जानता हो, ऐसा नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वह किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया है, ऊपर से नहीं डाला गया। अगर ऊपर से ज्ञान के संयोग करने से अगर ज्ञानी हो, ज्ञान स्वरूप हो, तो पुद्गल भी ज्ञानी हो जाए, पुद्गल में भी कोई ज्ञान डाले। आज डॉक्टरों ने शरीर को एक मशीन की तरह बना दिया, ये बदला, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, या कोई जान डाल के बताए मुर्दे में जिंदा कर। मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाएगा कुछ। कंप्यूटर में कितना हिसाब किताब, कितना हिसाब किताब, कितने वर्षों का, एक बटन दबाया सब सामने आ गया। लेकिन जितना फिट किया है उतना ही है, वो अपना अलग से सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, लिहाज नहीं करेगा। कि ये पंडित जी हैं कि शेख जी हैं, कि गरीब है कि अमीर है, कि बूढ़ा आदमी है कि बालक है, बीमार है, कोई लिहाज नहीं करेगा। वस्तु का स्वभाव भी एकदम निरपेक्ष है, किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, न अन्य के द्वारा बदला जा सकता। जो जिसका स्वभाव है, अब जिसका किसका तो होता होगा, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। अध्यात्म में मेरा क्या स्वभाव है ये देखना चाहिए। भू आत्मन विचार करना, जिस सुख को आप चाहते हैं
वह सुख तुम्हारा ही स्वभाव ही है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तेरे भीतर बैठा तेरा कारण हार पुकारे, ये भजन दिख दिए इस तरह से, अर्थ क्या है? कहाँ भटकते हो भाई? जिस सुख को आप चाहते हैं वह सुख प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंड देव कहेंगे वह सुख शुद्ध उपयोग का फल है। शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग का मतलब क्या है? केवल उपयोग, अंतर्मुखी उपयोग, निर्विकल्प उपयोग, अपना उपयोग, अपने उपयोग। रागादिक विकारी भावों का अभाव उत्पन्न ही नहीं हुए, शुद्ध उपयोग वहां का, वह सुख शुद्धोपयोग का फल है। इसलिए शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का उद्यम कर। यहाँ कह रहे भाई जिस सुख को आप चाहते हैं वह सुख आपका स्वभाव ही है, इसलिए सुखी होने की चिंता छोड़ो और सुख स्वरूप अपने को निर्णय करो, विचार करो, अनुभवन करो। गाथा तो एक है, जो आपको चाहिए उसमें से उसी को लगाओ। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, ठीक है ना? अब आपको सुख चाहिए, सुख रूप जाने आत्म को वह सुख को ही चाहिए। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो सुखी होने की चिंता छोड़ो, सुखी होने की वांछा छोड़ो, निशंक होकर के ऐसा अनुभव करो मैं सुख स्वरूप हूं। आचार्य देव ने एक कथन किया, मुक्ति की वांछा भी मुक्ति में वांछा बाधक है, इसलिए तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो। ऐसे ही सुख की वांछा भी सुख में बाधक है, ज्ञान की वांछा ज्ञान में बाधक है। हमें ज्ञान चाहिए तो सुनो, जो ज्ञान रूप जाने आत्म को वह ज्ञान को ही प्राप्त है। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। जिस ज्ञान को आप चाहते हैं, मतलब जो ज्ञान सुख का कारण है वह ज्ञान आपका स्वरूप ही है, उसका पर से कोई संबंध नहीं। पर से कुछ भी संबंध नहीं का मतलब आपका कोई संबंध नहीं, इतना ही नहीं, ज्ञान का पर से कोई संबंध नहीं, सुख का पर से कोई संबंध नहीं, प्रभुता के सुख वैभव का बाह्य संयोगों का कोई संबंध नहीं। अनंत भगवान समोसरण में विराजमान हैं, समोसरण के कारण उनकी प्रभुता नहीं है, समोसरण के कारण उनकी प्रभुता नहीं है। यदि समोसरण के कारण उनकी प्रभुता हो तो समोसरण का अभाव हो जाए, सिद्धालय में विराजमान हो तो उनकी प्रभुता तो खत्म ही हो जाए। विचार करो, अरे समोसरण से भगवान की शोभा नहीं है, समोसरण की शोभा भगवान से है। अगर व्यवहार में भी कहना हो तो ऐसे कहो, घर से तुम्हारी शोभा नहीं है, घर की शोभा तुमसे है। चले आओ तो घर कैसा लगेगा, जाओ देखो जाकर के, सुना सुना। मंदिर से आपकी शोभा है नहीं, आपसे मंदिर की शोभा है। अगर यहाँ से उठ चलो सब लोग, कैसा लगेगा मंदिर, सुना सुना। और जहाँ बैठ जाएंगे वही मंदिर बन जाएगा, ऐसा हुआ है कि नहीं?
हटो यहाँ से, इस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो भैया कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है, कोई बात नहीं, आपका मंदिर है। वैसे तो मंदिर सबका है, समाज का है, हमने भी इसमें योगदान किया है, लेकिन हमें अधिकार नहीं। हटो यहाँ से। लो भाई हम अधिकार, जहाँ बैठ गए वही मंदिर बन गए, बन गए कि नहीं। और मंदिर के बिना, धर्मात्माओं के बिना सुने कोई स्वाध्याय करने वाला नहीं, कोई पूजा करने वाला नहीं। अरे भाई निकट आके आओ, शरीर से तुम्हारी शोभा नहीं है, तुम्हारी से तुमसे शरीर की शोभा है। एक दृष्टांत बताया था ना आपको, याद है, बादाम और मिरी। मिरी से बादाम के छिलके की कीमत कही आती है उसी तुलना में, वो साथ में तुल करके आ, और अकेली छिलका रह जाएगा फिर क्या कीमत होगी। अब दोनों को देखो, छिलके के बिना मिरी की कीमत बढ़ गई, छिलके के बिना मिरी की कीमत घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। और मिरी के बिना छिलके की कीमत घट गई, क्या कीमत? कुछ नहीं। ऐसे ही शरीर से आत्मा की कीमत तुम मान रहे हो, शोभा मान रहे हो। अरे शरीर की शोभा आत्मा की है, अगर आत्मा यहाँ से निकल जाए तो क्या मरती रह गई, कीमत खत्म। और शरीर के बिना तो आत्मा की कीमत बगड़ गई, या शरीर ही सिद्ध भगवान। शरीर से के छूटे, शरीर मन अकेला ये शरीर नहीं, इसके भीतर कारमान शरीर, तेजस शरीर भीत में है ना, भीतर कर्म माने खाली ज्ञान वाण नहीं, कर्म में भाव कर्म भी कर्म है, मोह राग आदि भाव, उनके चले जाने पर आत्मा तो भगवान कहलाने लगा, कीमत बढ़ गई। जो स्वभाव से भगवान था वह पर्याय में भी भगवान हो गया, कीमत तो उनकी घटी, शरीर की कीमत घट गई। अब जो क्या करेंगे इस मट्टी का, कपड़े उतार फेंक दिए आपने, कपड़े से कीमत आपकी नहीं है, कपड़ा बेकार है। हर जगह देखो आप, चेतन और अचेतन दो हैं। निश्चय से देखा यार तो चेतन चेतन है, पुद्गल पुद्गल है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, कोई कीमत नहीं है किसी की किसी से। लेकिन अगर व्यवहार न घटाएंगे तो आपने उल्टा परमार्थ दृष्टि के बिना उल्टा व्यवहार पकड़ा है। पैसा की आपकी कीमत नहीं है, आपकी इस पैसा की कीमत आपसे है। अच्छा देखो आप, धन है अगर सदाचारी के पास हो, उदार के पास हो, धर्मात्मा के पास हो, धर्म बुद्धि वालों के पास, तो क्या होगा? इसका सदुपयोग होगा, धर्म की वृद्धि होगी, सदाचार की वृद्धि होगी, अच्छे अच्छे देश की उन्नति होगी आपके को। और अगर धन दुराचारी के पास पहुंच गया, कंजूस के पास पहुंच गया, शराबी कबाबी के पास पहुंच गया, तो क्या होगा? बंदूक अगर सैनिक के पास है, जिसका अभिप्राय था देश की रक्षा का, तो उसका सदुपयोग होगा, देश की रक्षा होगी, शत्रु नहीं सामने आएगा। और वही बंदूक डाकू के पास पहुंच गई, खोटे अभिप्राय वाले डाकू, आतंक छाया है। उन्हीं हथियारों वे ही हथियार आतंकवादियों के पास, और वे ही हथियार सेना के पास। सेना के पास हथियार एक तरह की शक्ति है, और आतंकवादियों के हथियार सिरदर। आज देश की पतन का कारण ये भी हो गया, धन उन लोगों के पास पहुंच गया जिनके पास नहीं होना चाहिए। धर्म बुद्धि वाले जीवों के पास अगर धन होगा, एक काल की बलियारी, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। पंचम काल की
एक ये भी विशेषता लिखी है, धन हीन परिणाम वालों के पास नीच परिणाम वालों के पास होगा। और धीरे धीरे वही इकट्ठा होता जाता सो वो अपने उस हिसाब से करते हैं। पद अगर धर्म बुद्धि वालों के पास पद होंगे तो उनका सदुपयोग होगा, सबको साथ लेकर के चलेंगे और सदाचार का प्रचार करेंगे, अच्छे अच्छे आयोजन करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और पद अगर धर्म बुद्धि वालों के पास पहुंच गए तो क्या होगा, पहले तो पदों के लिए ही लड़ेंगे। जो पद जबरन सौंपे जाते थे समाज के स्तर पर तो कम से कम था ही, जबरन सौंप दिया कि भाई आप निवृत्त हो गए, आपका लड़का दुकान देखने लगा, आप पूजा करते स्वाध्याय करते, आप बनो, आप समारोह भाई हम नहीं, अरे हम आपके साथ हैं सब लोग समारोह, माने एक अंकुश आप रखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर धर्म का अंकुश अर्थ पर नहीं रहा तो अनर्थ हो जाएगा, नियम की बात है। जिस अर्थ पर धर्म का अंकुश नहीं है वह अर्थ अनर्थ का कारण बनता है। कुरीतियां धन के बल पर फैल नहीं, कोई हमारा क्या करेगा, ज्यादा करेगा पैसे से मुंह बंद कर दिया, लाओ 1 करोड़ की बोली ले ली, छुट्टी हो गई, काम खत्म, जय जयकार, माला फेरी, खत्म हो गया, और क्या। आज यही तो तकलीफ है, कोई ये पूछने वाला नहीं 1 करोड़ आया कहां से तुम्हारा, कैसा है, जबकि सारे कर्णन योग की विधि विधानों में न्यायोपात वित्तम पहली चीज, पहली शर्त न्यायोपार्जित व्यस्त होना चाहिए। न्याय से कमाया हुआ धन भोजन शुद्धि में पहली शुद्धि है, न्याय के द्वारा कमाया गया खाने वालों का उपयोग अच्छा रहेगा। आज संस्थाओं में जो जी प्रवृत्तियां देखी जाती है, बर्बादी, उल्टा सीधा, लड़ाई झगड़े, संस्कार शून्यता, उसमें एक अन्याय से धन का भी बड़ा योगदान, ऐसा कैसा आया। सावधान रहो, अगर शांति चाहिए तो रूखा खाना अन्याय का मत खाना। सादगी अपनाओ जीवन में, सुखी रहोगे, शांति रहेगी तुम्हारे घर में, शांति रहेगी समाज में, शांति रहेगी। और अगर अन्याय की से उपार्जित वित्त इकट्ठा हो गया तो समय जो गंदगी इकट्ठी हो गई, बदबू फैल गई, भले वो निमित्त निमित्त संबंध की चर्चाएं हैं, व्यवहार की चर्चाएं हैं, लेकिन ये सही है, ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध। ललचाओ मत, ललचाओ मत, सादगी हमारे जीवन का गौरव है। कोई शर्म की बात नहीं है, विचार करो, हमारे नगर में कोई डाकू नहीं है, ये तो एक खुशी की बात है। तो हमारे जीवन में विषय रूपी चोर नहीं है, तृष्णा रूपी डाकू आपके जीवन में अगर नहीं है तो ये खुशी की बात है। और अगर तृष्णा रूपी डाकू अगर तुम्हारे घर में भीतर घुसा है, मन में तृष्णा है, तो क्या होगा बताओ। आप ये हंसे मत देखो, हम ये कह रहे हम खुली किताब है, आप बताओ तृष्णा वाला जीव कहीं कोई सुखी, कोई सुखी हो, कहीं सुखी हो, कभी सुखी हो, किंचित भी सुख हो, उसको बताओ आप, लिया सामने सात दाने लिया, तुम एक बोरा सर और एक मुठी सरसों की बात नहीं, सात दाने लाओ जिस घर में कोई मरण नहीं हुआ। ऐसे हम आपसे कह रहे, एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो, कहीं कभी और किंचित, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी उर्दुष्टा
उल्टी सीधी कमाई, अपने जीवन की बर्बादी करी और परंपराएं बिगाड़ी और फिर उल्टे ही सीधे काम होते उसमें। कुछ मुकदमे में चली गई, कुछ झूठे मानसान में चली गई, कुछ झूठे उल्टे सीधे आयोजनों में चली गई और कुछ शोरूमों में चली गई और कुछ दवाइयों में चली गई, खत्म हो गया। आपको क्या मिला उसमें? सिकंदर ने काय को कहा था, ये हाथ निकाल दो, इन हाथों में कुछ अलग था क्या? ये दौलत तो सब यही है देखो, और इनसे जो पाप किया, इसके लिए जो पाप किया है वो हमारे साथ जा रहा है। अनाज संबंध उच्च क्या कारमण शरीर अनादि से साथ लगा है, साथ जा रहा है जीव के, वो परिणाम चला गया। दृष्टांत देते हैं, स्वप्न में कोई घबरा गया, भयानक स्वप्न देखा और एकदम उठ करके भगा और सिर टकराया, सिर में चोट लग गई, आंख खुल गई, सपना तो खत्म है लेकिन चोट और दर्द, चोट और दर्द तो है ना, वो थोड़ी खत्म हो गया है। ऐसे तुम्हारे वो अन्याय परिणाम तो एक समय की पर्याय वो चली गई, लेकिन वे कर्म जो बन गए उनको क्या होना है जो बता। जिस सुख को आप चाहते हैं वह सुख तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव अनपेक्ष निरपेक्ष होता है, उस सुख के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। ये कल्पनाएं मोह के उदय से हो रही हैं, मोह की तीव्रता में हो रही हैं। लिखा ना, मोह उदय जी तीव्रता अन कल्पना हो, कि पैसा होगा तो हम सुखी होंगे, बाल बच्चे होंगे तो हम सुखी होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम सुखी होंगे, कोई ऊंचे पद मिले होंगे तो हम सुखी होंगे, बिल्कुल कल्पना झूठी है। छोटे मंदिर करे तू जो उपाय करता है वह झूठे। इसमें ये बात आ गई, उपाय मन में भी सोचे जाते हैं, उपाय सोचते हो ना, उसके बाद फिर चर्चा करते हुए और फिर शरीर की क्रिया से होते हुए उपाय। तो तुम जो उपाय जो सोचते हो, जो तुम सोच रहे हो, कभी सफल नहीं है, झूठे हो। अपने से दूर रह करके कभी शांतता नहीं मिलेगी, ये परमार्थ है। व्यवहार घटाना हो तो अपनों से दूर रह करके कभी सुखी नहीं होंगे। जाओ चले जाओ, कहाँ जाना है? जैसे कथाओं में पुराणों में चर्चा आई है, वो देवियां आकर के प्रकट हो गई है, धवल सेठ पर मार पड़ने लगी और जहाज जगमगाने लगी। रैन मजूसा से देवियां बोली, हे पुत्री तू ये मत सोचना, हम तुम्हारे सदा पास है, समीप है, कोई भय नहीं है। ये धवल सेठ क्या करेगा? और धवल सेठ से भी कहा है, सती की शरण में जा, और नहीं तो कहीं जा वहीं नहीं छोड़ेंगे, जाओ कहां जाओ, जहां जाओगे तुम्हारा अज्ञान साथ में जा रहा है, और अज्ञान जा रहा है तो मैंने अज्ञान में भाव जा रहे हैं, अब सुखी कहां होगे? जो जिसका स्वभाव है वह किसी के द्वारा किया नहीं जाता, बदला भी नहीं जाता, दिया नहीं जाता, स्वभाव निरपेक्ष है। तो क्या स्वभाव है? अपना क्या स्वभाव है? और पर के स्वभाव की बात छोड़ दो, लोक में भी बड़ी शांति मिलती है, गुस्सा आती है, ये क्या कह रहा है? महाराज इसका स्वभाव पागल है, वो छोड़ छोड़ो, अच्छा ठीक है, फिर कोई बात खत्म हो गई। ऐसे पुद्गल का स्वभाव है, संयोग का वियोग हुआ, योग हुआ, अरे वियोग होना इसका स्वभाव है। घटना और बढ़ना, मिलना और बिछोड़ना,
ये स्वभाव है इसका। आज पढ़ रहे जी का पढ़ रहे जी बारे भावना, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं, न क्षणिक पदार्थों से न था। ये मोही जी क्षणिक को नित्य बनाना चाहता है। ये हमारा वैभव ऐसा ही बना रहे, ये हमारा शरीर ऐसा ही बना रहे, ये परिवार हमारा ऐसा ही बना रहे। अरे कल्पना झूठी है, किसी का नहीं रहेगा। तीर्थंकरों की भी बाह्य विभूति छोड़ने लायक है, छूटने वाली है, अध्रुव है। तीर्थंकरों का भी अनंत चतुष्ट है, सिद्धालय में जाएगा। ये बाहर का वैभव तो नहीं, तो फिर तुम्हारी क्या? प्रवचन सारजी में चरणन योग चूलिका के प्रारंभ में एक काव्य लिखा, एक लाइन सुंदर लिखी है, गर्भ्या विरुद्धम चरणम चरण। द्रव्य से सिद्ध चरण से सिद्धि है ना, इसलिए द्रव्या विरुद्धम चरणम चरण, द्रव्य से अविरुद्ध आचरण करो। मतलब जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल आचरण करो। अरे आप अपने को लौकिक में बड़ा आदमी समझते, तो बड़े आदमी दायक कपड़े पहनते, बड़े आदमी दायक मकान बनाते, बड़े आदमी दायक भोजन करते, बड़े आदमी दायक कोई क्या कहेगा, सब काम बड़े आदमी लायक कर दे। तो तुम भगवान हो तो भगवान लायक करो काम, तो कुछ कर लाए। तुझे पर की ओर देखना शोभता नहीं है, पर के संबंध में विकल्प करना शोभता नहीं है, अच्छा नहीं। भैया हम तुम्हें खड़ा कर ले सारे दिन, क्या मजाक कर दियो, हम क्या असमर्थ है सोचा, हमें सहारा दे रहे। तो कौन सा द्रव्य विश्व में असमर्थ है ये बताओ, इसके बारे में तुम चिंता करते हो। बच्चा छोटा है तो नहाना पड़ता, धुलाना पड़ता, खाना खिलाना पड़ता है। जब बच्चा बड़ा हो गया तो तुम्हारी माँ को चिंता है किसी ने नहाया कि नहीं, बेटा नहा मैं निलवा दू, मैं तुझे खिला दू, आ जा मेरे पास मैं तुझे खिला दू। वो खा लेगा, वो नहा लेगा, बताओ आप कितनी निश्चिंत है, किसके बल पर? आपकी सामर्थ्य के बल। आप खड़े होने में, नहाने में, खाने में, पीने में समर्थ हो, ये व्यवहार के दृष्टांत है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन करने में स्वतंत्र समर्थ है। इस सामर्थ्य का नाम ही वस्तुत्व गुण कहते हैं। क्या सामान्य गुण याद है एक लाइन में? क्यों भाई, है प्रत्येक वस्तु है, अस्तित्व गुण हो गया है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा है। दूसरा नंबर सामर्थ्यवान है। तीसरा नाम नंबर बोलो, वस्तुत्व हो गया। तीसरा बोलो, अरे निरंतर बदलते हुए भी लक्षण संपदा से शोभायमान है, वही का वही, वैसा का वैसा ही है। चौथा नंबर, कोई छिपा हुआ नहीं है, सब ज्ञान का विषय है, छिपाने की कोशिश मत करो। तुम मत कहो तो अभी हमें मालूम है तुम क्या करोगे। उस दिन पहले अपन आए थे, तुमने कहा हम ये कर रहे, हमें पहले ही मालूम तुम ये कर रहे हो, और अभी भी मालूम है क्या करोगे, हमें मालूम, तुम मत कहो। कहने से कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी अभिनय है, नहीं कहोगे तुम्हारा मायाचार है, लेकिन हमें मालूम है क्या करोगे। वही करोगे जो मान कसाय में होता है, जो लोभ कसाय में होता है, जो क्रोध कसाय में होता है, हमें मालूम है तुम क्या करोगे। अज्ञान में वही होता है। श्री गुरु कहते हमें मालूम है ये मृत क्या करेगा, हाँ भाप करके मर जाए और कुछ नहीं करे,
ये हिरण क्या करेगा, हाँप हाँप करके तड़प तड़प करके मर जाएगा। देखो पानी यहाँ कहीं है नहीं, और ये पानी की वो बालू की तपता है मान बनी, सूर्य से तपती हुई बालू को चमकता हुआ देखकर वहाँ पानी के भ्रम से दौड़ा जा रहा है। हमें मालूम है क्या करेगा, इसका क्या होगा भविष्य बताओ। कुंडली नहीं देखनी है, ये भविष्य है, मरेगा तरफ तरफ करके मरेगा। हमें मालूम क्या करेगा, छिपने और छिपाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे पहले अस्तित्व गुण के आधार पर हमने कहा था, मरने और मारने की कोई व्यवस्था नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुमको। क्या नहीं छोड़ोगे तुम क्या करोगे? अस्तित्व गुण के योग से तो फिर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम समझे क्या? और तुम भयभीत हो गए, भैया उसने धमकी आ गई, वो उसका लेटर आ गया है, वो कह रहा है कि लाओ इतने रुपया लो नहीं तो छोड़े, ले भैया ले जाओ। अरे विचार करो, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं, मरने मारने की कोई व्यवस्था नहीं। दूसरा गुण बोलो, करने कराने की कोई व्यवस्था नहीं कि हम तुम्हारा कुछ कर पाए तो हमारा कुछ कर पाओ। अपना कार्य करने में समर्थ और पर का कार्य करने में सर्वथा असमर्थ। करने कराने की कोई व्यवस्था नहीं, बदलने की और बदलवाने की कोई व्यवस्था नहीं। हम बदल देंगे, हम समझा देंगे, हम कर देंगे, हम उठा देंगे, हम गिरा देंगे, अरे कोई व्यवस्था नहीं। स्वयं न समझते हुए को कोई नहीं समझा सकता, स्वयं न बदलते हुए को कोई काल द्रव्य नहीं बदला सकता। दृष्टांत आपको पहले दिया था, बताओ भाई। सवेरे के 11 बज गए, सूर्य कितना हो गया, सब लोगों की पूजा भी हो गई, आधा स्वाध्याय हो गया, ठीक है ना। अब ना उठे उसे कौन उठाएगा, अभी भी ऐसे लोग होंगे जो सो रहे होंगे। उन्हें ये पता नहीं है देर तक सोने वालों का भाग्य भी सोता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे पापन मंदी पुण्य के उदय में, वो खर्च काय में होगा, बीमार हो गए दवाई में चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। झूठे प्रदर्शनों में, अनावश्यक निर्माणों में, आयोजनों में, दवाइयों में, लड़ाइयों में, मुकदमा में, रिश्वत खोरी में, लेने देने में चला जाए और कहाँ जाए, बोला। दो रोटी खाता है कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। अब ये संतोष ही होगा तो चैन से खा ले वो बैठ के, और संतोष ही अगर नहीं होगा, तृष्णावान होगा तो दो रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं। डॉक्टर आप कह रहे थे भैया अगर दो टाइम थाली पर बैठ करके यथेच्छ भोजन कर लेता है तो बहुत पुण्य का उदय है, ये समझ लेना। यथेच्छ माने जो उसका मन है वो खा ले, पछता नहीं है। पछता नहीं है, टाइम नहीं है। घर में भोजन हो, टिफिन में, दोनों टाइम का टिफिन लेकर के जा रहे सारे, भक्ति भक्ति पहुंच रहे। यही स्थिति है, करने कराने की कोई व्यवस्था नहीं, बदलने बदलवाने की कोई व्यवस्था नहीं, नहीं व्यवस्था। जब उसे जल्दी उठने का महत्व समझ में आता है कि ये स्वास्थ्य और संयम के लिए पहली सीढ़ी है, तब वो अपने आप उठेगा। और नहीं तो इतने टाइम भी सो रहे काल दल भी क्या करेगा। 11 बज गए,
आधा दिन हो गया, अब कुछ क्या करे, बता जो सो रहा है उसको जगा। और रात सोने के लिए लौकिक में कही आती है, वैसे तो आत्म ध्यान करने के लिए, दिन में स्वाध्याय करो रात में ध्यान करो, लेकिन विचार करो आपकी दृष्टि से सोने के लिए भी कहें और रात में कोई न सोए तो कहा करे, काल जब भी क्या करेगा। न सोने वाले को रात्रि सुलाएगी नहीं, न जगने वाले को दिन जगाएगा नहीं। बोलो आप, तो न पढ़ने वालों को कोई पढ़ाएगा नहीं, न भटकने वालों को कोई भटकाएगा नहीं, न झुकने वालों को कोई झुकाएगा नहीं, न कर ये कोई व्यवस्था नहीं। अपना कार्य करने में समर्थ और पर का कार्य करने में असमर्थ। अब असमर्थ होकर के भी तुम जिस कार्य को नहीं कर सकते उसकी चिंता में लगे हो, और जो कर सकते हो उसको नहीं करोगे। अभी तक पंडित जी नहीं आए, इतनी देर हो गई, अब हम इतने लोग इतनी देर से बैठे हैं जी, बड़बड़ाओगे तो, लेकिन ये नहीं है तब तक नहीं आए तब तक शांति से स्वाध्याय करो। अभी कोई नहीं आया, हम इतने जल्दी आ गए, अब बताओ क्या करें। पूजा के अभी कोई द्रव्य भी नहीं बनी, जल भी नहीं भरा गया, यानी वो पुजारी भी सो रहा, अरे तब तक बैठ के शाम आया करो, माला फिर पाठ करो, स्वाध्याय कर लो। जो कर सकते हो वो नहीं करोगे, और जो कर सकता है वह नहीं करेगा तो संकलित करेगा, निश्चित करेगा। योग्य नहीं होगा तो अयोग्य होगा। आपके पास अगर धार्मिक गीत नहीं होंगे तो बच्चे फिल्मी गीत गुनगुनाएंगे, आपके धार्मिक आयोजन नहीं होंगे तो उन फालतू के आयोजनों में पढ़ेंगे, स्वाध्याय अगर नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। घटाने बढ़ाने की, घटने बढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं अगर रहू, और बाहर कोई व्यवस्था नहीं, बाहर कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा प्रदेश, तुम्हारे प्रदेशों में तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारा परिणमन सब तुम्हारे भीतर है, बाहर कोई व्यवस्था नहीं। हो गए छह गुण, हो गए कि नहीं हो गए? विचार किया करो, हमारा मतलब इसलिए कह रहे हो कि विचार किया करो, हम काय में लगे और जी जिन्होंने क्या कह रहे हैं। आपके बच्चे आपको बड़ा समझ करके आपसे पूछते हैं तो आप जिनवाणी को बड़ा समझ करके जिनवाणी से पूछो। जिनवाणी माँ है, माँ से दूर रहकर के बच्चा क्या करेगा? जिनवाणी से दूर रहकर के क्या करोगे? भटकोगे। कैसी सुंदर चीज क्या है जो जिसका स्वभाव है, जिसके लिए हम भटक रहे हैं, इसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हे भगवान हे भगवान, इसके लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न उल्टे किए विकल्प कर रहे हैं, वो हमारा स्वभाव है। चाहे सुख हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रभुता हो, और क्या चाहिए आपको? अरे शरीर के कारण आप जीवित हैं कि आपके कारण शरीर जीवित कहा जाता? बोलो बता। नहीं, जीव निकल जाएगा तो जीव मर जाएगा। अरे जीव नहीं मर जाएगा, शरीर मरा हुआ कहलाएगा। व्यवहार परमार्थ के बिना कैसे सम्यक होगा? परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार भी उल्टा उल्टा होता है। जिनसे दूर होना चाहिए उनके समीप हैं, और जिनसे समीप रहना चाहिए उनसे दूर हैं, जिनसे डरना चाहिए उनसे डर नहीं रहे, और जिनसे नहीं डरना चाहिए डरने का कोई काम ही नहीं, वहां डर लगता है।
आगम का कथन समझ लो, क्या जो जिसका स्वभाव है वह किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाता, नहीं बदला जा सकता। अब इसमें से अध्यात्म निकालो, क्या तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? बिना किसी अवलंबन के अनंत काल तक जीना, ये हमारा स्वभाव है। दवाइयों के सारे कितने दिन जियोगे? बाल बच्चों के सहारे कितने दिन चलोगे? ये सहारे की सहारा छोड़ो भैया, सहारा हम क्या चाहते हैं? हम कभी मरे नहीं, तो ये तो हमारा स्वभाव है भाई। यही चाहे मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए, यही तो है, ये हमारा स्वभाव है। हमारा कोई अपमान नहीं करे, ये तो हमारा स्वभाव ही है। आत्मा त्रिलोक पूज्य है, परम पवित्र है, आत्मा का अपमान कोई नहीं कर सकता। कोई अपमान के शब्दों में ढूंढो, आत्मा कहीं मिल जाएगा? अपमान के शब्दों में, तिरस्कार के शब्दों में ढूंढना, आत्मा अगर इस शब्दों में मिल भी जाए तो बता। हम चाहते हमें भूख न लगे, भूख रंगना हमारा स्वभाव नहीं। हम तृप्त रहे, सुखी रहे, तो तृप्त रहना हमारा स्वभाव। विचार करो, जो हम चाहते हैं वो हमारा स्वभाव ही है, और इसीलिए हमें नहीं मिलता कि हम स्वभाव की ओर देखते नहीं और देखते घिरते ढूंढ। वह किसी भी प्रकार से पर द्रव्यों के द्वारा अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। जीव को कोई मार नहीं सकता, हमारा कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोक व्यवहार में भी बीमार कोई हो, दवाई कोई खाए तो बता, ये भाई क्या है, बुखार आ गया, डॉक्टर बोलते साहब क्या है, बोले कुछ नहीं, मौसम खराब है, मौसम का बुखार। बच्चा क्या कह रहा है, तो मौसम को दवाई दे। मौसम खराब है, मौसम को दवाई दे। अरे मौसम किसी का नाम नहीं है भैया, तेरी प्रतिरोधक क्षमता ये बता। मौसम खराब है और दवाई तुझे दे रहे, इसका मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब ये है, रोगी होने में तेरा ही अपराध है। तुमने न पचने वाला गरिष्ठ आहार किया क्यों? तुमने ज्यादा खाया क्यों? तुम ज्यादा जगे क्यों? आंखों में दर्द होने लगा, ज्यादा जगे क्यों तुम? अति भारा रोपण लिखा है ना, अति भारा रोपण माने तुम ज्यादा जगे क्यों, ये बता। वो पढ़ती पढ़ती सिर दर्द हुए, तो ज्यादा पढ़ क्यों रहे हो? पूरा पढ़ो ना। घूमते घूमते थक गए तो घूमते क्यों हो? मांगते मांगते परेशान हो गए, वो जीते ही नहीं। अच्छा तो फिर क्यों मांगते क्यों? हिसाब तगादा तो करना पड़ेगा, व्यापारी हो, मांगते क्यों? क्या ही कहते हो? अरे देखो, मांगने पर भी नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखना, और नहीं तो बिना मांगे मिलेगा। आपकी उदय की सामग्री होगी, बिना मांगे होगा। अब थोड़ा समय बदल रहा है, इसलिए बहुमत कम है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना मांगे दे करके आते टाइम से, और टाइम बढ़ते, जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है, अपनी बात का ख्याल है,
कोई कारण होता तो बिना पूछे बताते हैं। बिना पूछे बताते हैं, बिना मांगे देते हैं। क्यों? आपकी माँ आपको भोजन मांगने पर देती है कि बिना मांगे? बोलो, दूर क्यों जाते हो, घर ही देख लो ना। उदार व्यक्ति को, धर्म बुद्धि वाले व्यक्ति को समाज सम्मान देती है, बिना मांगे देती है कि मांगने पर? बोलो। और जो चाहते हैं मैंने सम्मान चाहिए तो सम्मान नहीं मिलेगा। कैसी बातें सोच, मैंने उल्टा उल्टा सोच रहे हैं। तू जो उपाय करता है सब झूठे हैं, मैंने तुम जो सोच रहे वह सब झूठा सोच रहे हैं। आगम के अनुसार बोलना सीखो, आगम के अनुसार सोचना सीखो, आगम का अभ्यास करो। जिनवाणी क्या वाणी के ज्ञान से सूझाए लोकालोक सो वाणी मस्तक पर रखो। ये मस्तक पर नहीं, इसके भीतर मस्तक और है। उस मस्तक में रखो माने ज्ञान में रखो। कंप्यूटर में शास्त्र मत करो, ज्ञान में शास्त्र रखो। कंप्यूटर में शास्त्र रख रहे या जरूरत हो देख लेंगे, और कंप्यूटर खराब होगा तो कहाँ में देखोगे, और आँख खराब होगी तो कहाँ देखोगे, और ज्ञान में होगा तो सदा देखोगे। समाधि जिन्होंने ज्ञान में आत्मा रखा है, ज्ञान में जिनकी आत्मा है वो समाधि करती है। कंप्यूटर में शास्त्र है, कंप्यूटर के शास्त्र क्या करेंगे? बैंक के पैसा क्या करेगा आपका, बताओ? आज संडे है, बैंक बंद है, सर्वर नहीं आए, फलाना नहीं हुआ, आज मैनेजर नहीं है, आज कैशियर नहीं है, बैंक का पैसा क्या करेगा? और जरूरत आज है, सोचो क्या करेगा? वह स्वभाव किसी के द्वारा अन्य प्रकार से का नहीं किया जा सकता। अब जो नहीं किया जा सकता, स्वभाव बदला नहीं जा सकता, उसको बदलने में लगे, पूरा भौतिक विज्ञान इसी में लगा। और जो इसमें लगे हैं वे भी अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भोग रहे हैं। वे भी आकुलित हैं, अनुशक्ति की खोज की, परमाणु शक्ति अनुशक्ति की खोज की। उसने सोचा भी नहीं होगा ये अणुओं में बन जाएगा खतरनाक, देश के लिए खतरा हो जाएगा, विश्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, सोचा था उसने? अरे ज्यादा ज्यादा गुस्सा आई, दो तुमने कह दी, दो इन्होंने कह दी, खत्म हो गई बात। ज्यादा भाई एक आध लट्ठी मार दिया, एक आध चांटा मार दिया, अब तो फटाक बंदूक और बम, खतरा बढ़ा है कि घटा है ये बताओ आप? क्यों खतरा बढ़ा क्यों ये बताओ? नहीं बढ़ा है ये तो आप मान गए, लेकिन बढ़ा क्यों ये बता? अशांति हुई तो कसाएं बढ़ी है। कथाएं क्यों बढ़ी है? तुम्हारी गलती से, इनकी कथाएं तुम्हारी गलती से बढ़ी। ये महाराज जी का कह रहे हैं, सुनो, कथाएं जिससे घटती हैं, ऐसे स्वाध्याय के साधन और संस्कार इनको नहीं दिए, इन बाल बच्चों को। अरे व्यवहार की जगह व्यवहार कहेंगे, परमार्थ की जगह परमार्थ कहेंगे, परमार्थ में व्यवहार को उड़ाना मत, और व्यवहार से परमार्थ को मत उड़ा देना, तो वही उड़ जाओगे और कुछ नहीं होगा। सोचो, वैद्य की बातों को, वैद्य की शिक्षा को, सलाह को अगर रोगी हंसी में उड़ा देवे तो वही तो उड़ जाएगा, मर जाएगा, और क्या होगा?
ऐसे इन ज्ञानी जनों के उपदेश को अगर हंसी में उड़ा दोगे तो क्या होगा। ये गलती हमारी है जो आज हमें भोग रहे। क्या करें, बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बहुत परेशान। ये गलती हमारी है। क्यों, जब पेट छोटा था, बच्चा छोटा था, उसी समय संस्कार क्यों नहीं दिए? एक बात बहुत स्थूल है। दूसरा नंबर, तुमने भगवान की क्यों नहीं मानी? पहले क्यों गुरुजनों की तुमने नहीं मानी? काय को स्थूल जन्म पाल बच्चों के में पड़ गए, अब नहीं मानता और मानता, अब रो रहे हो। एक सड़क पे, वो एक गांव की ओर से सड़क निकली, एक पीपल का पेड़ है, तो डाल ऐसी नीचे आ गई कि जो गाड़ी निकले ना तो परेशान करती। अब वो सब बड़बड़ाते, अरे जब वो ऐसे झुक रही थी तो उसको सीधा क्यों नहीं कर दिया उसी समय, या उसी को वहां से छांट क्यों नहीं दिया वहीं से? अब बड़बड़ाते सब, अब गाड़ी खड़ी करी, ऊपर का सामान खोला, तब गाड़ी निकाली, गाड़ी खड़ी करी, सामान निकाला, फिर कहा या चलो भैया उधर से निकलेंगे। दोष किसका है इसमें? हम ये पूछते, आपकी गलियां गंदी हैं, इसमें दोष राष्ट्रपति का गंदी करने आता है क्या? प्रधानमंत्री गंदी करने आता है, कलेक्टर गंदी करने आता है, कौन गंदी करने आता है? ये गंदगी, ये तुम्हारी मन की गंदगी को बता रहे, तुमने अभिमान से उठा करके कूड़ा कचरा फेंकते रहते हो, गंदी खुद कर रहे। दीवार गंदी हो गई, अब तो गंदगी तो तुमने करी है। अगर तुम ये गंदगी ऐसे नहीं पहुंचते तो दीवार क्यों गंदी होती बता? दीवार गंदी तुमने करी। अपने घर में कचरा आपने फैलाया है, गंदे भाव, कचरा जी, मोर आगर एक भाव तुमने किए, किसी और ने नहीं कराए। ये अपमान तुम महसूस कर रहे हो, दुखी तुम हो रहे हो, ये सम्मान तुम महसूस कर रहे हो, फालतू का हर्ष तुम कर रहे हो, तुम्हारा मान अपमान है ही नहीं कुछ। अब यहाँ मुख्य रूप से अज्ञानी और ज्ञानी की चर्चा थी पिछली गाथाओं में, ठीक है? अज्ञानी का स्वभाव राग सी राग आदि करने का है। अज्ञानी जहां जाएगा वहीं राग करेगा। एक मोटी सी बात बताई थी आपको कि अगर जरा सी देर बस में यात्रा करेगा तो मेरी सीट, मेरी सीट। और मान लो कोई नई बस मिल गई बैठने के लिए और सामने कोई खटारा बस खड़ी हो तो अभिमान करेगा, कुछ नहीं है तेरा, खाली यहाँ से देखे एक 25 किलोमीटर जाकर के वहां उतर जाना है, लेकिन ऐसा लगेगा नई बस। देखा है कई बच्चों को, देखा गाड़ियां निकलती और जिस गाड़ी में बैठी अगर बगल की गाड़ी आगे निकल जाए तो उसको ऐसा लगता है, और फिर वो ड्राइवर ने गाड़ी निकाली तो आगे तुम्हारी गाड़ी, उसको लगता है हमारी गाड़ी आगे निकल गई। अब क्या है, बचपना नहीं है तो अरे क्या बताओ, आपको कुछ लगता है? हमारा मतलब ये बचपना है। बचपना जिसको आप लोग किस भाषा में कहते हैं उसी को हम अज्ञान कहते हैं। ये बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई या फलाना हो गया, मैंने ये बढ़ गया, इसके बाद पैसा ज्यादा होगा, इसके बाद मकान बन गया, इसके बाद ये हो गया, ये बढ़ गया, तुम ईर्षा में फालतू चल रहे। अज्ञान का स्वभाव राग करने का है। अज्ञानी को भी राग कोई दूसरे पदार्थ नहीं कराते। अष्टावन में एक गाथा है, कुंज कुंज स्वामी ने कहा और शिथिलाचार को दूर करने के लिए कहा, आज की परिस्थिति में विशेष रूप से कहा, जो राग करते नारियों को दूसरों को दोष दे,
जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष देंगे श्रवण नहीं है गाथा। क्या मतलब? उसने राग नहीं कराया है, सीता का रूप बना करके वो देव आ गया, सीता का ही था, सीता का जीव और सीता का रूप बना करके आगे आ गया। रामचंद्र को राग नहीं हुआ, नहीं हुआ। सुदर्शन सेठ को राग नहीं हुआ, रानी जम्मू कुमार को राग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उन्होंने करा नहीं पाएंगे, और हो जाए तो ऐसा नहीं कोई रोक पाएगा। पुष्पलाल का राग नहीं रुका, पुष्पलाल का ऐसे सुंदर समागम में भी राग नहीं रुका, नहीं रुका तो क्या करेगा। और जम्मू कुमार को उस समागम में भी राग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये सिद्धांत की पुष्टि करे क्या क्या करे कि राग भी कोई दूसरा नहीं करा रहा। कैसी अद्भुत बात है, राग दूसरा कराता नहीं है और राग करना जीव का स्वभाव नहीं और राग हो ही रहा। राग माने समस्त रागादिक भाव, राग करना दूसरा कोई राग करा नहीं सकता। और जीव का राग करना स्वभाव नहीं और राग हो ही रहा है, फिर किसको होता है, क्यों होता है? क्या अज्ञान विधाता है? अज्ञान का स्वभाव है राग करना। अज्ञान का मतलब है वह अपना सुख नहीं अपने में देख रहा, अपने को आत्मा नहीं देख रहा और अपने को सुंदर नहीं देख रहा, अपने को सुखरूप नहीं देख रहा और पर को सुंदर और सुख की कल्पना कर रहा है। ये बहुत सुंदर है, मजा आ गया। अब राग नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो विपरीत कल्पनाएं हैं यही तो राग का कारण है। अगर राग न करे तो दूसरा करा नहीं सकता और ज्ञानाभ्यास के बिना राग मिट नहीं सकता। ज्ञानी को राग नहीं, ज्ञानी का राग वर्जन का स्वभाव। शराबी शराबी इकट्ठे हैं, कौन कहेगा ये मत पियो? कौन कहेगा बोलो? अरे आप जाएगा कोई, कौन जाएगा? हे का कर रहे, का लड़ रहे हो, का हुकुम कर रहे? वो तो ये कहेगा एक इसको मारो, एक इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, यहाँ कूदो, यहाँ नाचो, यहाँ। शराबी शराबी इकट्ठे हो गए, अब कौन किसको रोके? अज्ञानी अज्ञानी इकट्ठे हो गए और अपने घर के प्रस्ताव पास कर दिए, बताओ अब क्या होगा? अरे ये प्रस्ताव है, अपने अपने घर के प्रस्ताव पास कर दिए, तुम्हारे लिए ये विधान बना दिया, तुमके लिए ये विधान बना दिया, ये तुम इसके हो, तुम इसके हो, सब अपने ये सब कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं। राग न करे तो दूसरा करा नहीं सकता, अगर करा सकता होता तो आज बासुदेव भगवान की पूजा आप करके आयो। अभी पूजा सच्ची नहीं है, झूठी करनी आचरे झूठे सुख को आस, झूठी भगत ये डरे झूठे प्रभु को दास। लीन भयो व्यवहार में उकत न उपजे को, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकत कहां से हो। विचार करो वासुज भगवान बाल्यती कैसी होती अगर राग पर्दे में राग कराता तो। वासुज भगवान बाल्यती कैसे होते अगर पर्दे में राग कराता, फिर तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी भी ब्रह्मचर्य को नहीं पाल पाते, आहार लेने जाते सुराग हो जाते जबरन, और वहीं आ जाती वो स्त्रियां तो राग हो जाता। नहीं, राग परद्रव्य नहीं कराता, तो जब परद्रव्य कराता नहीं है तो परद्रव्य मिटाता भी नहीं है। किसी को अपने धन का बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है, हमने कमाया है, हम कमाना जानते, तुम क्या जानो? ये सब हमने अपने आंगन बनाई, जमीन लेकर
जमीन से लेकर के हमने बनाया है, पिताजी नहीं छोड़ गए थे हमारे, हमने बनाया। ओहो कितना अभिमान, विचार करो अगर वह धन मिट जाए न रहे तो अभी अभिमान नहीं मिटेगा। आपको दृष्टांत याद है, रस्सी के जल जाने पर भी उसकी ऐठ नहीं जाती। लोग में कहावत कह देते रस्सी जल गई ऐठ नहीं गई, सब पैसा चला जाए तो भी ये अभिमान नहीं आएगा। क्यों क्यों बोलो, धन का अभिमान धन का नहीं है, वो तुम्हारा अभिमान है अज्ञान का। वो धन से नहीं हुआ है, धन ने नहीं कराया है, धन ने तुमसे नहीं कहा तुम अभिमान करो और निर्धन का तिरस्कार करो, अपने धन का प्रदर्शन करो, ये धन ने कहा तो नहीं। अगर आप न्याय से कमाओगे और विवेक से खर्च करोगे तो धन ये नहीं कहेगा नहीं, आपको रोक नहीं लेगा। इसको एक शब्द कह देते लौकिक में प्रलोभन। कोई ईमानदार व्यक्ति अगर प्रलोभन में ना आए तो क्या करेगा वो? अभी एक कलेक्टर 1 करोड़ की रिश्वत लेकर के गए साहब, बस आप छुट्टी लेके चले आओ और कुछ नहीं करना आपको, परीक्षाओं में नकल की छुट्टी लेके चले आओ, आपको रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप बस छुट्टी लेके चले जाओ यहाँ से। 1 करोड़ की थैली है, बड़ी भाग जाओ यहाँ से, अब क्या करोगे? मध्यम परिवार का लड़का कलेक्टर बना और वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, अब क्या करो? करोगी क्या बोलो? करो, लोगों को अराजकता में भी बड़ा भरोसा है, हम रिश्वत देकर के सब कर लेंगे। अगर एक ईमानदार आदमी होगा कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और यहाँ तो पूरे के पूरे कर्म ईमानदार बैठे, पूरे के पूरे कर्म ईमानदार बैठे हैं, जैसा परिणाम हुआ वैसे ही बंद हो गया, उदय में आकर के फल देंगे, क्या करोगे? तो मन में भी अगर सोच लोगे, बोलोगे नहीं, मन में भी सोच लोगे तो उससे कर्म बन गए और उदय में आएंगे। जिसका जैसा स्वभाव है तो यहाँ पर क्या लेना, अज्ञानी का जो रागादिक करने का स्वभाव है तो जहाँ जाएगा वहाँ रागादिक करेगा। अरे देखो ना, ये मोहियों को भगवान को सजाना की से भी बाज नहीं आ रहे, भगवान को सजाएंगे, भगवान पे मुकुट लगा दे, भगवान पे हाथ लगा दे, भगवान पे ये करो, भगवान को बस आभूषण पहना। चलो अपने अपनी आमना में भैया भगवान नहीं सजा जाते तो अगल बगल सजा ले, अगल बगल सजा लो, बिल्कुल निकट में रख दे, निकट में हुई भगवान पे कछु बहुत सुंदर लगे, सुंदर लगे। अरे भगवान स्वयं सुंदर है, उनकी सुंदरता तुम पे फूटी आंखें नहीं देख पा रहे, तुम्हें तुम्हारी चश्मा चढ़ा है, ये संयोग सुंदर है। जंगल में अगर बैठे हैं मुनीश्वर, बताओ क्या सुंदरता में कमी है? एक छाता लगा ले तभी सोई सुंदर लगा, तुम छत्र लगाओ सुनी लगाओ, तुम्हारे ऊपर छत्र लगेगा वो अलग बात है, वो व्यवहार का कथन अलग है, लेकिन कहने का मतलब वो छत्र से सुंदरता थोड़ी है। नाटक समझ नो महान समझ तो बद स्वामी जैसे परीक्षा प्रधानी क्या कह रहे, देवागम नभो यान श्याम राज विभूतया। भगवान बता ना तो समझ लो महान, इससे आपकी कोई महानता नहीं। अरे ये आपके समीप है इसलिए महानता है, ये सुंदर लग रहे हैं। बेदी से भगवान नहीं, भगवान से बेदी सुंदर लगती है, चमर से भगवान नहीं, भगवान से चमर सुंदर लग रहे, भगवान की हो रही। और अगर अलग भगवान नहीं हो चमर लगे हो तो क्या होगा? कुछ नहीं लगेगा, कौन हाथ जोड़ेगा, कौन हाथ चढ़ाएगा बताओ?
अपनी महिमा को पहचानो, अपनी पवित्रता को पहचानो, अपने सुख को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो। जहां पहचान हुई अब कहीं निज निर्चु घर पायो, को निकस है अब बाहर, अपने आप आपका उपयोग नहीं आएगा बाहर। स्वाध्याय साधनाएं बढ़ाओ, बुद्धि इसमें लगाओ, हमारी स्वाध्याय में कैसे लोग जुड़े और कैसे लोग जुड़े ये बात बाद की रहेगी। हम कैसे जुड़ जाएं, स्वाध्याय को सफल करें, स्वाध्याय का फल अगर हमारे जीवन में होगा, सच कह रहे हैं, आपको देख करके स्वाध्याय में जुड़ जाएंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके चित्त में अशांति है, आपका व्यवहार खोटा है, आपकी प्रवृत्तियां गंदी हैं, तो आपको देख करके स्वाध्याय में कौन जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? आपका जीवन पवित्र होगा, आपका जीवन शांतिमय होगा, विवेकपूर्ण होगा, आपकी क्रियाएं यत्नाचार रूप होंगी, आपको देख करके भी भैया ये तो अपने ही कर, ये तो हम चाहते। एक बीमार दूसरे बीमार से पूछता है ठीक हो जाने वाली है, कह तुमने क्या करोगे, तुम कौन को दिखाने गए थे, तुमने कौन का इलाज कराया, अपने आप पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता, तुम्हें देख करके क्यों, अगर तुम बीमारी से ठीक हो जाओगे तो तुम्हें देख के क्यों नहीं ठीक बीमारी, सोचो दिखाए सबकाचार की बातें प्रभावना उच्च आचरण से, श्रेष्ठ आचरण से। तो अज्ञानी का स्वभाव राग करने का है, उसे ज्ञानी वो उस अज्ञानी को राग करने हुए कोई नहीं होगा। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में अगर हम कह दें तो वो शाह शाम का विषय, अरे शाम का विषय नहीं, हमेशा का विषय है, क्षण क्षण का विषय है। सामने स्त्री बैठी है और राग नहीं हो गए तो कौन कराएगा, जम्मू कुमार आ गए। और अगर मरी को याद कर करके रोता रहे कौन छुपाएगा, बुढ़ापे में भी सोचते हैं दूसरा विवाह कर लो, फिर और कर लो, बाल बच्चे विवाह लायक हो गए, अब नहीं नहीं दूसरा विवाह कर लो, अब कौन रोके बताओ, क्या करे, कौन राग कराए और कौन राग मिटाए, ये कहने का मतलब है तेरा अज्ञान तुझे राग रूप परिणमित करा रहा है, तेरे राग का कारण, तेरे मोह का कारण, तेरे क्रोध आदि का कारण, तेरे दुख का कारण, तेरे संसार का कारण तेरा ही अज्ञान है, और कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, तेरे ही ज्ञान तुझे से मिटाएगा। ज्ञानाभ्यास के बिना इन राग आदि मिटाने के सारे उपाय होते हैं, क्यों स्वभाव किसी के द्वारा किया नहीं जाता, किसी के द्वारा बदला नहीं जाता। इसलिए ये अच्छे और ये बुरे, ये राग के कारण है, ये दुख के कारण है, ये सुख के कारण है, ये विपरीत कल्पना छोड़ो, जंगल बैराग का कारण नहीं है, जंगल में रहने वाले पशुओं को बैराग कहाँ हुआ, जंगल में छिपने वाले चोरों को बैराग कहाँ हुआ, अरे जंगल में भी जो राग से भिन्न आत्म स्वभाव को जानते हैं, आत्म स्वभाव को जाते हैं, उन्हीं का वैराग्य बढ़ता है। जंगल में भी वैराग का कारण ज्ञान है, ज्ञान नहीं होगा तो वहां भी वैराग्य नहीं होगा, और यहाँ ज्ञान होगा तो यहाँ भी राग नहीं होगा, ये कहने का, यहाँ भी घर पर राग होगा यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं है। अज्ञान होगा वहाँ राग होगा, और अज्ञान ज्ञान होगा वहाँ ज्ञान का स्वभाव राग वर्जक, किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। विचारना बस ही तो हो रही थी, ये भगवंतों के प्रति बहुमान ही तो है। बैठो बैठो, हो जाएगी भक्ति।
विचार करो, अनंत भक्ति के स्वरूप में टोटल मर्जी ने क्या क्या लिखा है, भक्ति के कितने अंग हैं। आकार का अवलोकन करना वह भी भक्ति है, स्वरूप का विचार करना वह भी भक्ति है, वचन सुनना यह भी भक्ति है, उनके स्वरूप का चिंतन करना यह भी भक्ति है, और निकटवर्ती होना यह भी, स्वीकार करना भगवंतों की वचनों को, आदर करना अंतर में वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना, यह परम भक्ति है। वचन सुन रहे ये भी भक्ति है, भक्ति है भाई। स्वीकार करो मन में कि भक्ति है ये। कुंद कुंद स्वामी ने कहा अभक्ति न हो हमें, माने वचन सुनने में जो अनादर भाव है वह भी अभक्ति है, विचार करने में अनादर भाव है वह भी अभक्ति है। और फिर टोडरमल जी ने एक और कथन भक्ति में लिखा, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के हुए है, कम ज्यादा की बात नहीं कह रहे, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के हुए, क्यों, ज्ञानी भगवान को पहचान रहा है, ज्ञानी भक्ति के प्रयोजन को जानता है, वो नहीं तो भोगों का भिखारी क्या भक्ति करेगा। कई बार तो भैया बड़ा दर्द होता है, बुरा लगता है, बोलियां बोलते हैं और बीच में भक्तियां ले, भक्ति बढ़ाए बढ़ाए तो मतलब जो सोचा थे कभी पैसा भेजो, अरे पैसा के लिए भक्ति कर रहे हो, पैसा वाणी की भक्ति कर रहे, क्या कर रहे तुम, तीन लोग के नाथ वितरागी परमेश्वर विराजमान है। हम तो फिर कह रहे हैं भैया इतनी भी जरूरत ना रहे पैसे की, पूजा के समय पूजा स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, आप लोगों की जिम्मेदारी है, संस्था में खर्चा है सब है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बजट बनाओ कितना खर्चा, और उसके हिसाब से एक बजट बना लेते हैं भैया इतना टैक्स लगा दिया, ऐसे ये टैक्स नहीं है ये धन है, इतना आप देंगे हर साल, इतना आप देंगे, इतना आप देंगे, इतना आप देंगे, 20-25 आदमी हो गए, बाद बाकी जो देगा गोदस में डालो, खत्म, आनंद से सुनो, आनंद से पढ़ो, आनंद से पूजा करो। फिर हम कह रहे हैं सुनो भाई अच्छी तरह, फिर हम कह रहे हैं आगमुक्त मार गए जो हम कह रहे हैं, बाद बाकी ठीक है, जो आपको करना है करो, ऐसे कोई जीता नहीं, ऐसे कोई नीता नहीं। अरे भाई हम पूछते हैं गांव के बनिया की दुकान पर पहुंच करके मूल भाव करते, कंट्रोल की दुकान पर मूल भाव क्यों नहीं करता, वो साहब कैसे हैं, ठीक है वहां जाकर के रिश्वत देता, ईमानदारी के सामने क्यों नहीं हिम्मत बढ़ती, वहां मत जाना, विचार करो। दान के संस्कार न मांगने और मंगवाने की कोई व्यवस्था नहीं, सच कहते हैं भीतर का मार गई तो जबलो सिमंदर भगवान की। ओम नमः सहजानंद जी आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप राग भगवान आदर्श रहो मेरे, हे वीत राग भगवान आदर्श रहो मेरे,
प्रभु पर भावों का भेदन हो, भेद न नहीं भेदन, भेदन अलग है और भेद न अलग है। प्रभु पर भावों का भेदन हो, निज सुख का निज में भेदन हो, निज सुख का निज में भेदन हो, हो गुण अनंत अमलान आदर्श रहो मेरे, अनंत अमलान आदर्श रहो मेरे, हे वीत राग भगवान आदर्श रहो मेरे, आत्मलीन भगवान आदर्श रहो मेरे, परवाह नहीं हो भव दुख की, परवाह नहीं परवाह नहीं हो भव दुख की, जिन चाह नहीं हो जग सुख की, जिन चाह नहीं हो जग सुख की, आराधन हो निष्काम आदर्श रहो मेरे, आराधन हो निष्काम आदर्श रहो मेरे, राग भगवान आदर्श रहो मेरे, प्रभु तुमसे मुक्ति मार्ग मिला, प्रभु प्रभु तुमसे मुक्ति मार्ग मिला, सर्वस्व मिला मम हृदय खिला, सर्वस्व मिला मम हृदय खिला, हो अगणित बार प्रणाम आदर्श रहो मेरे, अगणित बार प्रणाम आदर्श रहो मेरे, राग भगवान आदर्श रहो मेरे, राग भगवान आदर्श रहो मेरे, आत्मलीन भगवान आदर्श रहो मेरे, आत्मलीन भगवान तुम सम ही अंतर दृष्टि हो, तुम ही अंतर दृष्टि हो, तुम सम
तुम ही सहज विरक्ति हो, तुम ही सहज विरक्ति हो, मैं हूँ आप समान आदर्श रहो मेरे, आप समान आदर्श रहो मेरे, वीतराग भगवान आदर्श रहो मेरे, वीतराग भगवान चलो वितरागी पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो जय हो जय हो। स्वाद सांग जिन वाणी